टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरओ एआरओ 2023 विज्ञापन की। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है और अब क्या करना चाहिए, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और वीडियो को पहले ही आप लोग लाइक कर दें और जो छात्र नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है, सबसे बड़ा मौका आया है, बिल्कुल सही बात है। लगभग 411 पद तो विज्ञप्ति में ही है और निश्चित तौर पर पदों की संख्या भी बढ़ेगी। अगर 600 पद भी हो जाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। 2016 के विज्ञापन में भी हुआ था, 14 वाले में भी हुआ था, 2017 वाले में भी पद लगभग दोगुना हो गए थे, 809 पद हो गए थे 2017 वाले में। तो पद हमेशा आरओ एआरओ का इतिहास रहा है कि हमेशा पदों की संख्या बढ़ी है, तो यहाँ पर ये पद बढ़ भी सकते हैं। और इतनी बड़ी नौकरी आरओ एआरओ की, इतनी बड़ी नौकरी, इतने बड़े पद, जो इतने ज्यादा जो पद है वो जल्दी देखने को नहीं मिलती है और समय भी आपके पास पर्याप्त है। अगर आप लोगों ने पीसीएस की तैयारी, कुछ भी आरओ एआरओ का अगर एक बार भी आपने एग्जाम दिया या तैयारी करी है या पीसीएस की आपने तैयारी किया है, जो भी विद्यार्थी है थोड़ा सा पुराने हैं, एक दो बार जो पीसीएस दिए हैं, जिन्होंने दिया है या आरओ एआरओ दिया, तो उनके लिए 4 महीने का समय पर्याप्त होता है। फरवरी में आपकी परीक्षा संभावित है, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी आपके पास ये होनी चाहिए, जैसे कि 140 प्रश्न समान अध्ययन के पूछे जाते हैं और 60 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के, तो हिंदी को लीड लेना है। हिंदी में आपको टारगेट बना करके रखना है कि हमको कम से कम 55 प्लस लाना है, 55 प्लस नंबर निश्चित तौर पर आ सकते हैं बिल्कुल। और मेरे भी कई बार 57-58 क्वेश्चन आए, प्री में भी और मेंस में भी, मैंने 58 मेरे आ चुके हैं। और ये जो मेरी मार्कशीट वगैरह है आरओ की, मेंस की और प्री की, ये सारी टेलीग्राम चैनल पर मेरे पड़ी हुई है, जाकर के आप लोग वहां पर देख सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए 3-4 चीजें करनी है आपको। हिंदी के लिए आपको हरदेव बायरी किताब रखनी है, भले पूरी पढ़ पाए या न पढ़ पाए। जब कोई प्रश्न विवादित लगेगा, डिस्प्यूट लगेगा, अलग आंसर लगेगा, तो आप वहां से मिला सकते हैं। वासुदेव नंदन की किताब एक हिंदी की मानक पुस्तक है, हरदेव बायरी, और घटना चक्र पुनरावलोकन आपको इस समय पढ़ाई शुरू कर देनी है। आरओ एआरओ के लिए एक स्पेशल हिंदी की आती है, उसे आप लोग ले लीजिएगा। चौथा काम आपको यह करना है कि आरओ एआरओ की जो एग्जाम अभी तक हुए हैं, 2013 में हुआ था, 14 में हुआ था, 16 में हुआ था, 17 में हुआ था और 17 के बाद में सीधे 21 में हुआ था, 21 बाद में अब आया है। ये वैकेंसी हर साल नहीं आती है, 2-3 साल के अंतर में ही आती है। 2013 के पहले यूडीए एलडीए कहा जाता था, तब ये 2010 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था, तो 3-4 साल के अंतराल में आती है, वही हाल इस बार भी है। तो ये अगर मौका आपके हाथ से निकल गया तो जल्दी आपको ये मौका मिलेगा भी नहीं। तो ये जो पिछले 3-4 पेपर हुए हैं, आप इनकी जो पूरी पूरी जो हिंदी है उसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, पुराने पेपर के कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे विशेषा से, तत्सम, तद्भव से, अनेक शब्दों का एक शब्द के किस किस तरीके से क्वेश्चन है। और ये ज्यादातर दो चीजें, इसके लिए कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, हिंदी के लिए कोचिंग की आवश्यकता नहीं। आप लोग खुद समझते होंगे कि टोटल सारा चीजें जो बुक्स में है वो रखी हुई है। तो इसके लिए आप लोग पिछले साल का पेपर आपको लेना है, घटना चक्र पुनरावलोकन लेना है, आरओ एआरओ स्पेशल वाली, हरदेव बायरी और वासुदेव नंदन की किताब रखनी है। हिंदी को बिल्कुल टारगेट बना लीजिए, थोड़ा सा ग्रुप स्टडी एक दूसरे से पूछते रहिए। हाँ, सबसे बड़ा काम है, मैंने आप लोग मेरे यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है आरओ एआरओ टॉपर्स, ये आरओ एआरओ टॉपर्स की, ये देखिए, ये जाकर के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ज्यादातर जैसे रवि कांत, ये इनकी चौथी रैंक थी, और जिस पहली रैंक थी अवध भान सिंह भदौरिया, पहली रैंक थी, बहुत सारे जो छात्रों की ये जो इंटरव्यू यहाँ पर पड़े हुए हैं, ज्यादातर का यही कहना है कि इन्होंने ग्रुप स्टडी की थी। हालांकि आप सेल्फ स्टडी से भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं और ग्रुप स्टडी भी, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, फूफा जी की रैंक 4थी, भतीजे की रैंक 14, दोनों एक साथ रहते थे और दोनों का चयन हुआ। इन दोनों लोगों का इंटरव्यू मेरे प्लेलिस्ट में है, यूट्यूब चैनल पर भी। आरओ एआरओ 2021 में जो चौथी रैंक थी रवि कांत, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, देखिए उन्होंने क्या क्या कहा इस बारे में। है सारे नोट सब कुछ सेम है, एक बहुत बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ, जैसे मुझे लगता है हम चीजें पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम उन स्पेसिफिक चीजों को जो एग्जाम्स में आती हैं या तो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं या रिवाइज नहीं कर पाते। मैंने क्या किया, मैंने पिछले लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस पेपर रहे हैं आयोग के, उनको ठीक से स्टडी किया, कौन कौन से टॉपिक्स वहां से पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, उनके अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। और सबसे बड़ी चीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो मैं कहने वाला हूँ, वो है कि मैंने ग्रुप स्टडीज अपने दोस्तों के साथ में बैठकर उन सारी चीजों को डिस्कस किया, जिसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला। और यही शायद एक ऐसा रीजन है कि 2017 से लेकर 2022 तक लगातार आयोग का कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम हो मेरा नहीं रुका है, सारे प्रीलिम्स के एग्जाम्स मेरे क्वालिफाई हुए।
और ऐसे प्रयागराज में इस बार जो 2021 का परिणाम जारी हुआ था, 17 वाला जो परिणाम जारी हुआ था, ये बात देखने को भी मिली है कि जो ग्रुप स्टडी का है वो काफी प्रभाव पड़ा है। उसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जब कोई साथ का कोई पूछता है ना आपसे कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान चला बताना, तो आपको नहीं आ रहा, तो तुरंत दिमाग में अटैक करता है यार इसने पढ़ा होगा मुझे नहीं आ रहा है, या हिंदी में कुछ वो पढ़ते पढ़ते आपसे पूछ देगा कि यार इसका आंसर क्या है, तो ग्रुप आपको बताना होगा। इस तरीके से करने से थोड़ा सा दिमाग में अटैक होता है कि हमारा कौन कौन सा पोर्शन वीक है और कहां कहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और तो वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि जिस समय आप शुरुआत कैसे करें, शुरुआत करने के लिए आप लोग दो काम करिएगा, जीएस के लिए, हिंदी के लिए तो बात हो गई, अब हमको बात करना जीएस के लिए, जो जीएस वाला पेपर होता है 140% जिसमें पूछे जाते हैं। आप लोग एक काम करिए कि 10 साल की पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है पीसीएस के और आरओ एआरओ के, और इसकी पीसीएस के मेंस के भी जो जीएस के पेपर होता है और आरओ एआरओ का भी, तो ये पूरा पीवाईक्यू आपको पिछले 8-10 साल का लगाना है, उससे आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी कि क्वेश्चन जो है वो कहां कहां से आते हैं, किस तरीके से आते हैं। अब लोक सेवा आयोग ने पैटर्न बदल दिया है, आज से 6-7 साल पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते थे, अब रिपीट नहीं करता है, 2-4 क्वेश्चन आते भी हैं थोड़ा बहुत घुमा फुरा के पूछे जाते हैं, तो अब रिपीट वाला मामला नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये देखना होगा कि सिलेबस कि कहां कहां से क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, तो ये पिछले 10 सालों की पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू लगाने के बाद में आप टेस्ट सीरीज देखिए, पहले टेस्ट सीरीज नहीं, पहले पीवाईक्यू, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके बाद में टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप कैसे समझ पाएंगे कि ये टेस्ट सीरीज अच्छी है कि खराब है, जब आपने पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखे होंगे गहराई से, उनको हल किया होगा, तभी तो समझ पाएंगे ना कि इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज अच्छी है, इसकी टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है, इस तरह क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज लगाने के साथ साथ में अब आपको कुछ पुस्तकें भी पढ़नी है, केवल टेस्ट ही नहीं लगाना है, टेस्ट सीरीज तो आपको पता करने के लिए है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमारी तैयारी कैसी है, बाकी लोगों की तैयारी कैसी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पुस्तकें भी पढ़नी है। अब पुस्तकें तो मानक पुस्तकें या स्टैंडर्ड पुस्तकें पढ़ने का तो समय बचा नहीं है, 4 महीने बाद आपकी परीक्षा होनी है, 4 महीने का आपके पास समय बचा हुआ है, उसमें आपको हिंदी भी पढ़नी है, उसमें आपको करेंट भी पढ़ना है, उसमें आपको अपना सब्जेक्ट भी तैयार करना जीएस वाला, तो इसके लिए आप लोग मानक पुस्तकें रखिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए, लक्ष्मीकांत आपके पास होनी चाहिए, एसके पांडे होना चाहिए, सौरभ चौबे होना चाहिए, सविंदर सिंह की भूगोल भी आप रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो मेन किताबें हैं आपको पढ़ना है वो अब आपको केवल परीक्षा वाणी, घटना चक्र पुनरावलोकन और लूसेंट उसी विषय का, ये आपको 4 महीने के लिए ये आपके पास पर्याप्त है, ये जितना स्टडी मटेरियल है, परीक्षा वाणी, घटना चक्र और लूसेंट इत्यादि। हाँ, अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि हाँ ये तुमको समझ में नहीं आ रहा, कोरियोलिस बल समझ में नहीं आ रहा है, निम्न दाब उच्च दाब समझ में नहीं आ रहा है, तब आप भूगोल की जो बड़ी पुस्तकें, मैं क्या बताऊं, आप सभी लोग जानते हैं, एनसीईआरटी वगैरह भी देख सकते हैं, तो कोई भी बड़ी पुस्तक आप उसको देख सकते हैं, तो उन पुस्तकों को आप लोग तब उठाइए, अन्यथा आपके लिए ये जो परीक्षा वाली घटना चक्र पुनरावलोकन और लूसेंट वगैरह है ये आपके पास ये पर्याप्त है। और आपका जो टारगेट है वो टारगेट 80 से 85 को बना करके रखिए, 80 तो हो ही जाएगा, तो 85 का टारगेट आपको इसमें रखना है, 55 का टारगेट आपको रखना है हिंदी का, तो इस तरीके से अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 140 होता है। अगर आपका कोई भी पेपर बिगड़ा, यानी कि अगर आपका जीएस में आपका 80 के आसपास पहुंच गए, तो आपका जो 55 वाला आप हिंदी में आपने अच्छा बेस्ट किया है, तो वहां से आप लोग को लीड मिल जाएगी। और वैसे मुझे लगता है कि अभी क्योंकि पदों की संख्या हाई है और एग्जाम के समय और बढ़ जाएगी, तो ये जो पद लगभग हो जाएंगे आपके, जो कट ऑफ है वो निश्चित तौर पर अब उतना नहीं जाएगा जितना पिछली बार गया था, तो 130 ज़्यादा से ज़्यादा 130 के आसपास हो सकता है, तो आरओ के लिए 130 के आसपास, तो ये आपका टारगेट है 130। तो इसके लिए आपका जो टारगेट है कि हमको जीएस में 80 से 85 के बीच में लाना है और हिंदी हमको 55 प्लस करनी है किसी भी कीमत में, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। करेंट के लिए मैंने बताया भी था आपको शुरू में भी, और करेंट के लिए आपके पास आई दृष्टि, आँख वाली और घटना चक्र ये पर्याप्त है। आई दृष्टि के साथ साथ में आप लोग जो मंत्री कोई भी मैगजीन आप उठा लीजिए, लेकिन उसको नोट्स बना लीजिए, अभी तो आप लोग लाइन खींच लेंगे, कलर कर लेंगे, वो चल जाएगा, लेकिन एग्जाम के समय जब 8-10 बुक या 10-11 पुस्तकें हो जाएंगी तो आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए नोट्स बनाते रहिए, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो अपने नोट्स में किसी बुक में उसको नोट करते रहिए, एग्जाम के समय आई दृष्टि, घटना चक्र और आपका नोट्स, इतना पर्याप्त है आपकी अभी के स्टेट।